का मॉनसून सेशन अभी भी समाप्त हुआ है। मैं डॉक्टर स्वास्ति शर्मा और मेरे साथ रिकेश जी हैं और आज हम बैठे हैं हरियाणा विधानसभा के MLA हॉस्टल के अंदर। और इस सेशन के अंदर जो मेन मुद्दे उठाए गए थे वो था नूह का। जैसे आप सबको पता कि पिछले दिनों हरियाणा के अंदर नूह के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई और सत्ता पक्ष ये कह रही है कल कि ये कांग्रेस वालों ने किया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये काम सत्ता पक्ष ने किया है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वहाँ के लोग नेता क्या सोचते हैं? और हमारे बीच में आज सौभाग्य है कि वहाँ से मोहम्मद इलियास खान जी जो ऐसे MLA भी हैं पुनहरा से, वो इलियास खान जी मेवात की तीनों सीटों से, जिले की जो तीन सीटें हैं वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस वक्त चौथी बार ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हम इस बात करेंगे कि मेवात क्या है, इस जो जितना मेवात की नब्ज को ये पहचान सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई लीडर इतना पहचानने में सक्षम होगा। मोहम्मद इलियास खान साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। मेवात के बारे में बताइए कि जो कुछ हुआ है वो क्या था? देखिए शर्मा जी, सही बात है, मेवात सैकड़ों सालों से नहीं हजारों सालों से अपनी एक गरिमा थी मेवात की, और वो शांति प्रिय भाईचारा जो हमारी कल्चरल देश की भाईचारे के नाम से जाना जाता था। इससे पहले जब भी हिंदुस्तान में कोई बात आती थी तो सबसे पहले अगर भाईचारे को नाम आता था वो मेवात का आता था, क्योंकि हमारे यहाँ कभी हमने, मेरी लगभग उम्र 66-67 साल होने जा रही है, हमने कभी अपने बचपन से लेकर आज तक कभी वहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात आज तक भी नहीं पड़ी। यहाँ तक कि अब आपने देखा 31-8 में ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसकी बाकायदा मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और उसकी वजह ये है कि बाकी चीज़ तो समझ जाएगी, हालात भी सही हो जाएंगे, हो भी गए हैं, नॉर्मल भी होने जा रहे हैं, दिन ब दिन नॉर्मल ही हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, जिस नाम से हमारा मेवात जाना जाता था, प्यार मोहब्बत के नाम से, उस मोहब्बत जो हमारी थी उसमें नफरत फैलाने का जो काम किया है वो अपना आप में एक बड़ी गलत बात हुई। आपने नफरत फैलाने का काम कहा, ये अभी अभी बोला है, इसके बारे में प्रकाश डालिएगा। आपने कैसी नौबत आ गई आपको कहने की, जो ऊपर गया नफरत फैलाने का काम किया? सुनिए, ये जो भजन दल जो संगठन है, दरअसल सही बात यह है, ये गऊ के नाम पर इन्होंने यहाँ 4-5-6-7-8 महीने से अपना कंपेयर चला रखा है। ये बिट्टू बदरी है, मनु मानसर है। सही बात यह है, ये गऊ किसी की भी कोई गऊ को रक्षक भी नहीं है। ये तो सिर्फ जो वहाँ चंद आदमी जो गलत तनासिर जो है, जो सामाजिक है, असामाजिक तत्व है, इसके बावजूद कि वहाँ के संजीदा लोग सारे इस चीज़ से मना करते हैं। चलो हिंदू भाई उन्हें तो कर रही, लेकिन वहाँ का मुसलमान भी गौ कसी करना पसंद नहीं करता। इसके बावजूद कुछ होते हैं गलत तनासिर, आप जानते हैं, लेकिन ये जो मानू मोनस्टर ये बिट्टू बदरगी जो है, ये तो बाकायदा सालों से उसे मिलकर इसलिए तो ये धंधा बना रखा है, कमाई का धंधा था। क्या वो मेवात के बशिंदे हैं दोनों बिट्टू बजरंगी, जो दूसरा मोनू मानेसर, ये मेवात के रहने वाले हैं? नहीं, अब उसे मानेसर को आप देख लीजिए, मेवात में तो नहीं कह सकते सही माने, और देखा जा चुके वो मानेसर को ज्यादा बहुत दूर भी नहीं है मेवात से, तो आप देख लीजिए क्या कह सकते, मेवात ही कह सकते। मेवात सिर्फ वही है जो मेवात में रहता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहिए क्यों, उस ओरिजन के अंदर, रीजन के अंदर नहीं है मतलब। हाँ हाँ, तो इन्होंने तो बाकायदा ये पैसे कमाने का धंधा था, ये दो को पकड़ते थे, एक को छोड़ दिया करते थे, और जो बाकी जब एक जिसका चरण वो चरण वो उनसे फैसला करके फैसले ये करते थे, इसका ये धंधा था। अच्छा, तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, आप भी वहाँ पर गए होंगे, क्योंकि आपने तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रतिनिधित्व किया है तीनों जगह से, तो आप ही गए होंगे, तो आप ये बताइए कि आप वरिष्ठ MLA विधायक भी हो विधानसभा के, तो आप अपना एक्सपीरियंस देख के बताना कि इसमें सरकार की जो नाकामयाबी रही थी क्या रही थी, सरकार की क्या भूमिका रही थी इसमें, इसके बारे में बताना। देखिए, और घटना तो पहले जो इन्होंने की, 2-3 आदमी से पहले भी
दूसरे आदमी से पहले भी मार चुके थे। अभी आपने देखा था जो हाईलाइट हुई नाथ से जुड़े थोड़ी राजस्थान घाट में का रहने वाले थे, वहाँ से इन्होंने उनको उठाया और उठाकर जो है रास्ते में मारा, पिटा, बुरा हाल कर दिया। यहाँ तक कि जब वो मरने के लायक हो गए तो ये फिरोज में दिलचस्प सी आई है, मैं उनको एक किस्म से देने के लिए गई। अच्छा, रात का समय होगा, जो भी समय था, बस किस्मत ये रही को सी आई ए फिरोज ने लेने से मना कर दिया। अगर सी आई ए फिरोज का उस दिन भी उनको अपने पास रख लेता तो शायद वो ये घटना नहीं घटती, वो मरते नहीं, उनको आग लगाने के मौके नहीं मिलता। जब सी आई ए फिरोज ने वापस कर दिए तो उनको भिवानी जाकर इन्होंने उसी गाड़ी में, उनकी गाड़ी में भिवानी जाकर उनको जलाने का काम किया। जी पहले भी आपके समय में भी होती होंगी यात्राएं, जो आपने हमेशा होती रहती यात्राएं, पहली यात्रा जो पहले यात्रा हुई थी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जो ये हुई है इसमें किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था जी? बिल्कुल सामान्य बात है, ये चैलेंज कर रहे साहब, हम मेवात आ रहे हैं और आप स्वागत के लिए तैयार हो जाइए, आपका जी जा रहा है, आपका बहने हो रहा है, ये भले आदमी हो। ये बात तो आपने बता दी उन लोगों की। अब जो एक हफ्ता पहले जो ये आपने कहा है कि इस तरह की बात हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था? तीनों असेंबली मेंबर बराबर मिले थे एसपी साहब से यात्रा उसके बाद में से की नहीं, जब इन्होंने ये चैलेंज किया। हाँ, इसके हाँ यात्रा होने से एक हफ्ता पहले की बात मिले थे आप? अच्छा, तो जब हमने कहा कि भारतीय पोजिशन ये है, लोगों में बड़ी टेंशन सी पैदा हो रही है, इन्होंने हादसा कर ही दिया, मार तो दिए ही, अब ये दोबारा जो यहाँ यात्रा निकाल रही है, यात्रा से हमें कोई परहेज नहीं। अच्छा अच्छा, वही आप मिले थे? हाँ बिल्कुल, ठीक है, आफ्ताब जी मिला, मैं भी मिला। अच्छा, अच्छा। मामन जी भी मिले। अच्छा, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इसमें सरकार जो है ना सचेत रही गई। अच्छा, सरकार की इसमें बिल्कुल एक किस्म से ढील रही, अदरवाइज तो चार पाँच दिन पहले पकड़ने के बाद एक बार सी आई जी भी थी, सी बी आई भी थी, इंटेलिजेंस भी थी। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सी आई ए स्ट्रक्चर नो में है, उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट भी दी थी कि हमने बाकायदा सारी स्थिति से अवगत करा दिया था। अच्छा, और जब सारी स्थिति को आपको शहरी अवगत करा, इसका मतलब आपके कदरे आप इंतजाम नहीं कर सके, आप सचेत नहीं हो, वरना इससे पहले जो फोर्स 31 को हादसे के बाद उन्होंने बनाई है, इससे अगर पहले ही बुला रहे थे तो शादी करते ही नहीं करते। इसलिए सरकार या तो आप ये कहिए प्रशासन फेर रहा, जब प्रशासन फेर रहा तो फिर सरकार की जरूरत नहीं उठी। अच्छा, अब सरकार की बात कर लें, कल होम मिनिस्टर ने विधानसभा में कहा कि ये तो कांग्रेस के एमएलए थे जी वहाँ के, उनके कारण हुआ, उनके जो जहाँ जहाँ गए वहाँ पर हिंसा उनके कारण नहीं, उन्होंने हिंसा भड़काई है और उन्होंने जो उनके मैसेज थे पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? सर्वाधिक सच्चाई ये तो राजनीतिक भाषण दिया उन्होंने, पर देखिए ऐसे तो नहीं चल, ये राजनीतिक भाषण का फ्लोर कहा है उन्होंने। हाँ तो कहा, कहने के लिए चलो मैं भी कह दूंगा, कोई बात नहीं, सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस का चीज से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का तो आप, मैं भी कांग्रेस का एमएलए, हमारे पुराने में फिरोजपुर हमारे कस्बे पड़ते हैं दो पुराने में, इस वक्त मैं पुराने की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हमने बाकायदा लोगों के बीच में सारे वहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर जो है ऐसी घटना का मौका नहीं आने दिया, हमने हाथ जोड़कर मेहनत करके भूखे पिसाए सब लोग कश्मीर में सारा 24 घंटे रहकर, ये तीनों बंदी आई। ये तो जो कुछ हुआ है, ये तो जो उस वक्त उन्होंने वो ये चैलेंज जो दिया था लोगों में एक बड़ा भारी है, हमारे जो बच्चे मारे और हमें ये चैलेंज दे रहे, ये तो उसी वक्त जो है वो अंदेशा हो गया था। अच्छा, इसमें कांग्रेस के लिए या कांग्रेस पार्टी के या फिर उसका कोई तो फिर आज की डेट में देखो ऐसे अभी दंगे हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वहाँ की आवाम सफ़र करती है, ये तो आप मानोगे ना, मेवात के लोगों ने सफ़र किया है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? अब आगे किसी क्या आगे हिरंत पक्ष और रो प्रतोप तो लगते रहते हैं। देखिए सही बात की है, दंगा किसने कराया, कैसे हुआ, ये सेकेंडरी बात है, ये आपने आपके सामने अब तक आपने देख भी लिया होगी, ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, और ये भी सच्ची बात है जिसे आपके आवाज लगती है भुगत तो वही है, वही है। और मैं ये समझता हूँ इस हादसे से हमारा मेवाड़ तो कम से कम 20-25 साल पीछे तो चला ही गया, जिस तरह ये इंडस्ट्रीज वगैरह लोग बाहर के लोग लगा रहे थे, उद्योग धंधे लगा रहे थे, मैं भी ये मान के चलता हूँ इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, उसमें कमी आएगी, जो कमी आएगी तो मेवाड़ का जो विकास होने जा रहा था
उसमें झुकाव चाहिए। अच्छा खान साहब एक बात पूछना, मैंने जब भी मेवात की बात आती है, इतनी देर से प्रतिनिधित्व भी किया सभी ने, वहां से मिनिस्ट्री भी, फिर भी एक मेवात को हरियाणा में पिछड़ा वाला एरिया क्यों कहा जाता है, क्यों वहां पर डेवलपमेंट नहीं होती, जबकि दिल्ली के भी साथ है, वहां पर इंडस्ट्री है, कारण क्या है, यहाँ पर कहीं पर कहने की कमी रही है, क्या कारण है इसका? कोई ना कोई कमी तो रही है जो पिछड़ा, क्योंकि इतनी सरकारें चली गई जी। हाँ जी, इतनी लोग, हाँ जी, तो ये बात है। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में अब आपको काफी हद तक क्लियर होगा, हो गया होगा, क्योंकि मेवात की तीन जिलों की जो तीन असेंबली सीटें हैं मेवात की, उन्हीं तीनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हमारे बीच में मोहम्मद रियाज खान साहब और ब्रिश। हमारा कहना ये है, चलना ये जो हो गया उसको तो वापस, हाँ नहीं हो सकता। हाँ जी, जो लेकिन हमने कल हाउस में भी यही बात की थी, सरकार से भी हमने यही निवेदन किया था, जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई कर, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेगुनाह लोगों ने जिनको पता ही नहीं है, उनको आग भी कि आप जो है वो उनका चालान कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे, उससे हम सहमत हैं। तो अब आज भी हम यही कहना चाहते हैं, भाई दो आदमियों का झगड़ा हुआ, एक तरफा नहीं होता। मैं आपको लाठी मारता हूँ, आप उसका कुछ भी जवाब नहीं देंगे, पिटते रहोगे। अरे भाई आप पिटते रहोगे क्या? कहना मैं चाहता हूँ शर्मा जी, चाहे बजरंग दल वाले हो, चाहे हो, या जो भी हो, जब झगड़ा वहां हुआ तो दोनों तरफ से हुआ ना, तो बजरंग दल वालों खिलाफ जो ना आते, कोई बिट्टू वाले सर को चालन कर दिया, बाकी किसी को कुछ कह नहीं आते, बाकी किसी को कह नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हो गया जो हुआ, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जो है वो कार्रवाई कीजिए। हम लोग सारे मेवात के हिंदू मुसलमान मिलकर जो है आपको पहले भी समय सपोर्ट करते रहे, खास तौर से इसमें भी करेंगे, जाए कार्रवाई कीजिए, हम आपका पूरा पूरा साथ दिया है। और सबसे मैं अपील करूंगा कि जो हो गया उसे बीत गया, जो बीत गया, आने वाले समय में सारे मिलकर रहिए, क्योंकि हमारा हजारों साल का जो है वो एक भाईचारा हुआ है, उसको हमें वापस लाना है, ताकि हमें दूसरे इलाकों में, दूसरे या दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में उसी नजर से लोग देखा जाए। ये हमारी आखिरी तमन्ना है, हमारा भाईचारा पुनः कायम होना चाहिए। अच्छा एक बात आपसे पूछनी, मैंने जो बुलडोजर फेरा था वहां पर, जो उस कार्रवाई पर आप कैसे देखते हो, क्योंकि उसमें काफी बातें ये भी आई थी कि कुछ जिनकी रजिस्ट्रियां थी उनके भी गिरा दिया गया, इसके बारे में बताइए। शर्मा जी बात ही है, बुलडोजर तो इन्होंने पूरी देश को दिखाना था, 2024 के इलेक्शन हो रहा, वो तो ये दिखाना था कि हम मुसलमानों के साथ ये कर रहे, कार्रवाई कर रहे, मुसलमानों को इतना प्रसिद्ध, असल मकसद तो इनको मुसलमानों को खौफ पैदा करना था। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई किसी ने कब्जा कर रखा है पंचायत की जगह है, ये जंगलात की जगह है, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी है, आपने 10 साल से उस पर कार्रवाई कर रखी है और नोटिस भी दे रखी है, 10 साल से तुमने नहीं छोड़े हो, आज तुम्हारे पास कौन सी मुसीबत आ गई जो एकदम सारे छोड़ी गया है? इसलिए ये तो सिर्फ ये दिखाना था ना कि भाई मुसलमानों की कोई कसर और कसर छोड़, ये तो इलेक्शन वोट लेने की इनकी पॉलिसी है, इससे ज्यादा इनका कुछ भी नहीं। तो भाई बहनों, ये हमारे बीच में मोहम्मद लियास खान जी थे, जो मेवात की तीन असेंबलियों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और इनकी बातचीत से आप सबको पता चल गया होगा कि काफी तक आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि वहां पर क्या कैसे हुआ। हाँ जी, हाँ जी, एक बात बताओ, ये इंसिडेंट हुआ नूह में, हाँ जी, गुड़गांव में मस्जिद तोड़ी गई, आदमी भी वहां मारा गया, दो आदमी शायद मरे थे, एक मरा था, इमाम को कत्ल कर दिया था, फरीदाबाद में भी इंसिडेंट हुआ, पलवल में भी हुआ, रेवाड़ी में हुआ, काफी हद तक जो अपना था ना, हमारा जो मेवात का एरिया है उसमें हमारी आबादी, मेरा हमारी से मतलब मुसलमानों की 90% या कहीं 95%, बाकी हमारे जो माइनॉरिटी के भाई उनके कहीं 5% या कहीं 10%। अब ये तो अंदाजा लगाओ, जिस तरह दूसरे इलाकों में हमारे लोगों के साथ लोग जाते हुई हैं, मेवात में तो कोई आपको मिले ही उदाहरण कोई, अरे हमारे गाँव में भी तो मंदिर है, भाई हमारे गाँव में भी तो मंदिर है, हमने तो एक भी मंदिर नहीं छोड़ा किसी मुसलमान ने, एक भी उठा, एक भी नहीं, ईट भी नहीं उठाई,
और किसी बात जाके देख लो, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, आ जाओ आप मेरे पास। अच्छा, मैं मेरे पास मैं घुमाऊँगा आपको। अच्छा। और यहाँ के जो लोग हैं, जो बाहर के जो मुलाजिम हैं, जो बेचारे वहाँ हैं, उनसे मैं आपको रूबरी करूँगा। जब आप हकीकत को देखो वहाँ कि क्या यो है, हिंदू मुसलमान की बात है, आपको मिलेगी नहीं किसी कीमत, आज भी नहीं मिलेगी। ये तो सिर्फ हमारे भाईचारे को खत्म करने के लिए, अपनी वोट गेन करने के लिए सारा खेल हुआ है। भाईचारा फिर वैसे ही वैसा है? नहीं, भाईचारा फिर भी आज भी फिर भी वैसा क्या वैसा ही है। मैंने तो वो छोड़ वाली बात नहीं बताई, पर कम हो रही। हाँ हाँ, एक तरफ तो आग लगी हुई है, एक तरफ मिट गया। आज भी सारा सम्मान करें, मारा जा रहे, उनका रहने सहने का इंतजाम करें, सारी बात कर रहे। और अगर आप मेव कौम की बात करोगे ना, वैसे तो मुसलमानों का इतिहास देश में हो रहा है जो बाकी जातियों का रहा है। भाई कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर ने अंग्रेजों के गुलामी की बीच में था। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो कौन से किसके बुजुर्ग ऐसे नीचे जो मरे नहीं, कटा नहीं, जो शहीद नहीं हुए? बिल्कुल ठीक है, सब सभी की। तो क्या मुसलमान नहीं था उसमें? अशफाक उल्लाह खान थे। अरे छोड़ा ना, वो तो पुराना आदमी था। मैं आपको और बता दूंगा, इतिहास में आपको इतिहास दिला दूंगा सारा, जिसे कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है। जब यहाँ आई थिंक 1600 समथिंग 1600 ईस्वी में अकबर आया था यहाँ, है जब यह बाबर का राज था, बाबर राज वो भी मुगली था। तो बाबर से जो था पहले मेरा ख्याल जब अकबर 1600 तो आया, तो हमारे जो हसन खान मेवाती जी उनके थे, वो सिपे सारा थे, उसकी अंदरली में थे। तो अकबर ने कहा भाई ये काम कर, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, और आप मेरा साथ दो, आप इनका साथ क्यों दे रहे हो? राणा सांगा का। अच्छा जी। हाँ, आप इनका साथ क्यों दे रहे हो? कह रहे भाई ये बात नहीं है, ये देश का मामला है, हम वसंत प्रस्त है, हमारे खून के अंदर देश वसंत प्रस्त है और रहेगी, इसलिए मुसलमान होना लगती है। हम देश के साथ बगावत नहीं करें। अब हम सोचे अंदाज लगाइए, जो जब 1947 की बात आई, तो जब 1947 की बात आई उस वक्त भी जो है आज का जो ये रायचना रोड जो राष्ट्रपति भवन के सामने है, ये सारे मेयों के काम थे, ये हमारे। अच्छा, ये जमीनें हमारे मेयों की थी। अच्छा, और इनके जो है दिल्ली के दरवाजे जिन छिपने से पहले बंद हो जाया करते थे मेयों की वजह से। ये मैं वो जबानी बात नहीं कर रहा, इसकी जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपको इसका मैं प्रूफ स्टोरी कर लाऊंगा, चांस नहीं कराऊंगा आपसे, जिसको ना आपको कोई चैलेंज करेगा मुझे कर सकता है। सन 65 की लड़ाई हुई, सन 65 की लड़ाई में श्री अब्दुल हमीद जो है वो शहीद हुए, वो भी मुसलमान था। अमेरिका के ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल